Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Javed and I'm the part of the WHME Wisdom Home of Medical Education. And today I'm here to discuss about a case that is about the shock. That's a clinical case. So I would like to invite one of you, Dr. Zubair. He will come here and he will discuss about this clinical case. Dr. Zubair, please. Assalamualaikum, I am Dr. Zubair. Today I will discuss about the clinical case of shock. So first, हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम इमरजेंसी रूम में खड़े होते हैं तो सबसे पहले हमने अपना अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। तो हमारी प्रोटेक्शन में सबसे पहले ये होता है कि जो भी ईआर रूम में जो भी कोई पेशेंट आते हैं वो एक्सेसिव ब्लीडिंग के होते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्जिकल ग्लव्स पहनने हैं। उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट या डायग्नोज करना है वो बाद में करना है। आज का मेरा क्लिनिकल केस ये है कि अ पेशेंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड हैविंग हेड ट्रॉमा फ्रॉम अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेंगी? सबसे पहले हमने पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं उनसे हिस्ट्री देनी है, जो भी इनके साथ आए हुए थे तो उनसे हमने पूछना है कि ये कितनी देर से हेड ट्रॉमा हुआ है, कब हुआ एक्सीडेंट, जो भी मतलब ये ब्लीडिंग कितने टाइम से हो रही है। अगर 1 to 2 hours से हो रही है तो इसका ये मतलब है कि वो एक्सेसिव ब्लीडिंग का शिकार है। और उसके बाद हमने उसके वाइटल साइन चेक करने होते हैं। वाइटल साइन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टू बी डॉक्टर के क्या क्या आता है, ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट रेट आता है, SpO2 आती है, उसमें हमने चेक किया। देन द पेशेंट इज पेल, इसका ये मतलब है कि हम पेशेंट के ऊपर खड़े होकर उसको डायग्नोज कर रहे हैं, उसकी जो फिजिकल जिस्मानी हालत है वो देख रहे हैं। तो उसमें पेशेंट का आया द पेशेंट इज पेल, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज यानी उसके जो हाथ पाँव वो ठंडे हैं, एंड देन डायफोरेटिक। डायफोरेटिक का ये मतलब होता है कि ये भी एक स्वेटिंग की किस्म है, लेकिन जो स्वेटिंग होती है वो फिजियोलॉजिकल होती है, लेकिन जो डायफोरेटिक होता है ये पैथोलॉजिकल समझें कि उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही होती है ड्यू टू एनी अननोन रीजन। एक्सेसिव ब्लीडिंग, स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, देन एंड इज नॉट टॉकिंग कोहेरेंटली, एंड देन वाइटल साइंस हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या है। वाइटल साइंस ऑफ ऑन एडमिशन आर टेंपरेचर इज 36.3 डिग्री। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा पेशेंट है उसको हाइपोथर्मिया हो गया, यानी उसका जो ब्लड एक्सेसिव ब्लीडिंग लॉस की वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो गया। देन हार्ट रेट 130 बीट्स पर मिनट, हार्ट रेट उसका इंक्रीज हुआ हुआ है। हालांकि नॉर्मली हमारा जो नॉर्मल इंडिविजुअल में हार्ट रेट होता है वो 70 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। देन रेस्पिरेटरी रेट 34 बीट्स पर मिनट, लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करेंगे तो नॉर्मल जो ब्रीथिंग रेट होता है वो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट होता है। तो इसके बाद ब्लड प्रेशर 50/40 mmHg एंड इन CBC। देन उसका ब्लड प्रेशर देखेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज क्यों हो रहा है। उसके बाद एंड इन CBC, हम CBC करवाएंगे, टोटल काउंट ऑफ RBC इज डिक्रीज। अब हमने ये इसीलिए करवाया कि चेक करें कि उस पेशेंट को अगर हम शॉक की बात करें तो शॉक दो किस्म के होते हैं। तो शॉक दो किस्म के हैं, तो हम ये इसलिए करवा रहे हैं कि अगर उसको ब्लड लॉस हुआ है तो उसमें ब्लड में भी दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक दूसरा रेड ब्लड सेल होते हैं। हमने ये इसलिए करवाया कि टोटल काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल इज डिक्रीज, यानी इसका ये मतलब है कि जो RBCs हैं ये जो ब्लड का लॉस है वो ज़्यादा हो गया। तो आप में से कौन सा डॉक्टर बताएगा कि इसको कौन से करेंगे? और उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग थी, उसको मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ, ये उसके अटेंडेंट बताएंगे। फिर उन्होंने जब पेशेंट को फिजिकल एग्जामिन किया तो वो पेशेंट की जो उसको पेन था, पेशेंट उसको फिजिकल एग्जामिनेशन किया, उसकी कोल्ड एक्सट्रीमिटीज थी, जब कोल्ड एक्सट्रीमिटीज थी उसका टेम्परेचर चेक किया गया तो वो टेम्परेचर 36.3 डिग्री सेंटीग्रेड था, परंतु टेम्परेचर भी डाउन था। और उसके बाद उन्होंने जो है ना उसको जो है ना ये उसको स्वेटिंग भी थी, पेशेंट का आल्सो हैविंग अ पैथोलॉजिकल स्वेटिंग, उसको स्वेटिंग भी आ रही थी और बराबर तौर पर बोल भी नहीं पा रहा था ना। तो वाइटल साइंस जो है वो ये थे कि ये था, पर हार्ट उसका बढ़ा हुआ था। जब इन्होंने चेक किया उसको, इन्होंने उसका रेस्पिरेटरी रेट भी चेक किया, वो भी बढ़ा हुआ था। इन्होंने उसको ब्लड प्रेशर चेक किया, वो डाउन था। फिर इन्होंने CBC किया। CBC इन्होंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग भी तो है ना साथ में, स्वेटिंग भी है और पेशेंट को ब्लीडिंग भी है। तो ये डायग्नोज करना चाहते हैं कि जो मसला आ रहा है, इसको जो शॉक हो रहा है, ये जो बेहोश हो रहा है, पेशेंट फेंट हो रहा है, ये जो ब्लड लॉस हुआ है उसकी वजह से है, जो स्वेटिंग लॉस हुआ उसकी वजह से। इन्होंने CBC कराया, CBC में जो टोटल RBCs है वो डिक्रीज आए हैं। तो ये अब आप बताएंगे कि जब वो डिक्रीज होते हैं तो कौन सा मतलब उसको हम कह सकते हैं शॉक की कौन सी टाइम। सो कौन आंसर देना चाहिए? मैं चाहूंगा कि डॉक्टर नदीम आंसर दें। जी, इसको हाइपोवॉल्मिक शॉक हो सकता है बिकॉज ड्यू टू द ब्लड लॉस। इसमें हाइपोवॉल्मिक शॉक में दो टाइप्स होती हैं, एक होता है कि इसको ब्लड लॉस मींस टू से वी कैन से नॉट प्लाज्मा।
अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये है तो हाइपोवोलेमिक शॉक, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाइपोवोलेमिक शॉक में भी दो टाइप्स आती हैं कि वो प्लाज्मा डिक्रीज हो गया या ब्लड लॉस हो गया, तो डॉक्टर तेरी माँ बताएंगे कौन सा ब्लड लॉस। ओके ब्लड लॉस डॉक्टर सालिया, आप किस बुनियाद पे कहेंगे कि इसको ब्लड लॉस है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव स्वेटिंग भी है ब्लड लॉस भी है, तो अगर मैं कहना चाहूँ कि दोनों वजह से इसको हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया तो इस पे तो जो प्रोमिनेंट काज है जो बड़ी काज है वो अगर मैं कहूँ कि ब्लड लॉस है, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ब्लड लॉस है, आपने आर डिजीज कराया है उससे आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि उसको वाकई ब्लड लॉस है। सर क्योंकि उसके आर डिजीज की वैल्यू नॉर्मल से कम होगी और दूसरा ये कि पेशेंट को ट्रॉमा जिसकी वजह से उसका ब्लड लॉस ज्यादा हो गया और ब्लड लॉस हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो डॉक्टर्स व्हाट इज द फाइनल डायग्नोसिस, इसके बाद हमने डायग्नोस कर लिया कि ये हाइपोवोलेमिक शॉक है, अब हमने इसका ट्रीटमेंट करना है। नो फर्स्ट बिफोर ट्रीटमेंट प्लीज डॉक्टर जुबैर टेल अस दैट इस पेशेंट को जो है ना ये पेल और कोल्ड एस्टिमेटिस क्यों है। बिकॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारा जो होमियोस्टेसिस होता है जो कि नेचुरल मैकेनिज्म है वो ब्लड की वजह से ही हमारे बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अगर हमारा ब्लड ही लॉस हो रहा है एक्स्ट्रा तो उसकी वजह से इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद मुझे पता ये टेम्परेचर हो गया डाउन है, मुझे ये पता है उसका हार्ट रेट इतना क्यों बढ़ा हुआ, उसको टैकीकार्डिया क्यों है। सर टैकीकार्डिया इसकी वजह ये है कि जब भी हमें कोई शॉक होता है तो शॉक की स्टेजेस में हमने पढ़ा था कि कंपनसेटरी स्टेज आती है उसके बाद प्रोग्रेसिव स्टेज आती है, तो जब इनिशियल स्टेज पे होता है हमारा शॉक देन कंपनसेटरी स्टेज स्टार्ट होती है, तो हमने कंपनसेटरी स्टेज में पढ़ा था कि हमारा जो बॉडी का अपना एक रेगुलेटरी सिस्टम है जो हमारी हार्ट रेट या ब्रीथ को कंट्रोल करता है वो खुद एक्टिवेट हो जाता है कि मैं खुद उसकी कमी को पूरा करूं, तो इसके लिए हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा जो कि हमारे ब्रेन के पास सिग्नल भेजेगा वाया वेगस नर्व, देन हमारा ब्रेन स्टिमुलेट करेगा वेगस नर्व को और देन वो हार्मोन्स रिलीज करेगा जिसमें एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन आते हैं जो कि हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। इसके बाद रेस्पिरेटरी रेट ठीक है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ऑफ कोर्स वो आपका कंपनसेटरी मैकेनिज्म हो गया, और उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है, हालांकि आप कह रहे हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिव होगा तो बीपी को तो बढ़ना चाहिए हार्ट रेट का, बट बीपी यहाँ पे डाउन आ रहा है, व्हाई? बिकॉज हमारे जो कंपनसेटरी स्टेज के बाद प्रोग्रेसिव स्टेज स्टार्ट होती है और फिर प्रोग्रेसिव स्टेज के बाद जो हमारी स्टेज होती है वो इरिवर्सिबल स्टेज होती है। अब यहाँ बीपी डाउन ये शो करवा रहा है कि हमारा जो पेशेंट है वो इरिवर्सिबल स्टेज में पहुंच गया, तो यानी उस दौरान इरिवर्सिबल स्टेज में हाइपोक्सिया होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो ये इसी तरह बीपी डाउन। सो फाइनल आपका डायग्नोसिस है कि इसको हाइपोवोलेमिक शॉक है ड्यू टू ब्लड लॉस। ओके नाउ ये उन्होंने इसको डायग्नोस किया कि हाइपोवोलेमिक शॉक है, ये अब ट्रीटमेंट हमें इसका बताया कि आप इस पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले बेसिकली हाई जो भी शॉक हो तो हमने ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी होती है जो कि मैंने लिखा भी है अर्जेंटली एडमिनिस्टर ऑक्सीजन दैट इज इंपॉर्टेंट एंड मेन मैनेजमेंट। इसके बाद हमने देखा कि हेड ट्रॉमा था, कोई भी पेशेंट आया जब भी आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह डॉक्टर्स बनेंगे, तो जब भी आप ईआर में खड़े हों ग्लव्स पहने हुए हों तो कोई भी एक्सेसिव ब्लीडिंग का पेशेंट आया सबसे पहले आपने उस वाउंड को कवर करना है ताकि जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाए, जो लॉस हो गया वो तो नॉर्मल हो गया लेकिन जो आपके सामने रहा उसको रोका जाए, तो ये सबसे पहले बेसिक मैनेजमेंट यही करनी है कि आपने वेट कॉटन से ड्राई कॉटन नहीं वेट कॉटन से उस वाउंड को कवर करना है, उसको ऊपर प्रेस करके रखना है ताकि जो प्रेशर डालेंगे तो क्लॉटिंग फैक्टर्स आके प्लेटलेट्स आएंगे और उसके बाद ब्लड क्लॉट बनेगा और वाउंड कुछ ना कुछ ब्लीडिंग हो जाएगी। इसके बाद हमने करना है कि इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, हमें पता है कि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है तो हमें पता होता है कि जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो उसका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए हमें आईवी फ्लूइड्स देने चाहिए जो कि नॉर्मल साइन है और लैक्टेटेड फिंगर है जो कि हर टाइम अवेलेबल होते हैं हमारे हॉस्पिटल में। इसके बाद इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम बाय गेटिंग प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, हम साथ साथ एज अ स्पोर्टिव मेडिसन, क्योंकि अब जब भी कोई पेशेंट आए तो उसको हमने स्पोर्टिव मेडिसिन जरूर ऐड करनी होती है, ये नहीं कि कोई भी हमारे पास पेशेंट आया उसको सिर्फ एंटीबायोटिक्स ही दे रहे हैं या कोई एक ड्रग दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स के साथ कोई ऐसी मेडिसिन दें जो उसके एंटीबायोटिक्स के वर्क को भी इनहांस कर दे, तो ऐसी मेडिसिन को हम स्पोर्टिव मेडिसिन कहते हैं। हो सकता है हमने कहा कि पीछे कीजिए, हमने जैसे कहा कि सीबीसी करवाया तो रेड ब्लड सेल काउंट डिक्रीज हो, हो सकता है कि जो पेट प्लाज्मा का काउंट था वो भी डिक्रीज हो गया, उतना डिक्रीज हुआ लेकिन डिक्रीज हुआ है क्यों, क्यों डिक्रीज होगा क्योंकि पेशेंट को स्वेटिंग भी है, स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग के दौरान हमारे जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं या प्लाज्मा का कोई भी इंग्रेडिएंट्स थे वो इवेपोरेट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडिचर्स में दो
वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है जो कि हम यूज करते हैं, इनमें मैंने दो मेंशन किए हैं, एल्ब्यूमिन आईवी देनी है और उसके बाद डेक्सट्रॉन, ये भी एक ड्रग है जो कि हमारे एल्ब्यूमिन प्रोटीन को इंक्रीज करती है। एल्ब्यूमिन क्या है, ये एक प्रोटीन होती है जो कि हमारे लीवर से प्रोड्यूस होती है, और हमेशा याद रखिएगा कि जो भी एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये हमारे प्लाज्मा की मेजर कंपोजिशन होती है और इसके बहुत ज़्यादा रोल होते हैं। अब हमने देखा कि पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल उसको हाइपोथर्मिया हो रहा है, तो देन हम ट्रांसफ्यूज ब्लड इफ पेशेंट कंडीशन इज नॉट स्टेबल, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अब फार्मोजा फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये क्लिनिकल साइनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर प्रोफेसर कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, फॉर एग्जाम्पल 30 kg का पेशेंट आया हुआ है, उसका वेट 30 kg है, तो उसमें कितना ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, ये हमारा एक मेजर क्वेश्चन होता है। तो मैंने ये फार्मूले तो मैंशन किया है कि एक्चुअल एच पी माइनस टोटल एच पी ऑफ पेशेंट, एक्चुअल एच पी आपको पता है कितनी होती है, 13 to 14 होती है इन एडल्ट पेशेंट्स, देन टोटल एच पी ऑफ पेशेंट, तो हमने जो सी बी सी करवाया था उसमें एच पी की वैल्यू मैंशन होगी कि अगर उसकी एच पी डाउन हो जाएगी क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ही डिक्रीज हो गए, देन मल्टीप्लाई बाय वेट, अगर उसका वेट 30 kg है, देन फैट सेल्स क्या होते हैं कि ये ओरिजिनल यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो हमने ब्लड से निकाले हुए होते हैं। अब इधर एक मेजर एक कॉन्स्टेंट नंबर है फैट सेल्स का कि वेट मल्टीप्लाई बाय 3 फैट सेल्स, यानी 3 डिजिट्स हम ऐड करते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल दूँ कि एक्चुअल एच पी जिस तरह 13 है किसी पेशेंट की, तो उसमें हमने टोटल एच पी देखी तो वो उस वक्त उसकी थी 7, तो 13 - 7 = 6, देन मल्टीप्लाई बाय वेट, अब वेट उसका है 30 kg, देन 180 मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि पैक सेल्स हमने 3 ऐड करते थे, तो कितना हो गया 180 मल्टीप्लाई बाय 3 540 ml, यानी उसको ऑलमोस्ट 500 ml हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज करना ही करना है उसके वेट के हिसाब से। तो ये मैं कहूँगा कि आप नोट भी कर लीजिएगा। इसके बाद कंट्रोल हिमोरेज, यानी जो अमाउंट हो गया हमारे पास उसको हमने कंट्रोल करना है, जिस तरह मैं शुरू में बता रहा था कि उस बाउंड को कवर करना है, हमने कवर करने के बाद उसको प्रेस करेंगे तो कुछ हद तक ब्लीडिंग रुक जाएगी। उसके बाद फर्दर प्रोसीजर होता है ईआर रूम में कि उसकी स्टिचिंग करते हैं, स्टिचिंग करके फिर बैंडेजेस के जरिए उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि ब्लीडिंग ना हो। उसके बाद भी मेडिसिन थेरेपी और हीलिंग ऑफ बाउंड, अब जख्म भी तो हो गया उसको भी तो हमने हील करना है, जिसमें एंटीबायोटिक्स आती हैं और एनसीड्स आते हैं। एंटीबायोटिक्स का क्या फंक्शन होगा कि ये जाके जो भी उधर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुए हैं उनको कंट्रोल करेगा, और एनसीड्स जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उनको जाके इन्फ्लेमेशन जाके काम करेंगे और हमारा पेशेंट जल्द रिकवर हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। चलिए ठीक है डॉक्टर सुबैर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, क्लैपिंग फॉर डॉक्टर सुबैर, वंडरफुल वंडरफुल। और ये इसी तरह का आई थिंक ये इन्होंने यूएस असेंबली का क्वेश्चन प्रिपेयर किया हुआ, तो यूएस असेंबली के क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं मेरे के क्वेश्चन, सो इट वाज इजी और डिफिकल्ट इजी था। तो हमने जो है ना ये केस डिस्कस किया है, ये देखिए कल मैंने आपको हाइपोवॉल्यूम शॉक पढ़ाया था, तो इन्होंने उसी के ऊपर जो है वो प्रिपेयर किया है, तो उसी का ये पेपर मैंने बता दिया सर। इस केस में तो एल्बम में तो देनी नहीं था, एल्बम में नहीं देनी पड़ती लेकिन इसमें तो स्वेटिंग को बचाने के लिए स्वेटिंग ना हो तो हम एलुमिन देंगे ताकि वो जो प्लाज्मा है वो वहां से बह थैंक यू।